जय माता दी। बोलिए बोलिए, जय माता दी। रजनी पाटिल जी, गुलाम नबी आजाद जी, गुलाम अहमद मीर जी, ताराचंद जी, हमीर कर्रा जी, रमन भल्ला जी, मुल्ला राम जी, बीबी श्रीनिवास जी, नीरज कुंदन जी, रविंद्र शर्मा जी, जीएम सरूरी जी, मजिया वानी जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत। मैंने प्रेस के मित्रों कह दिया, मगर मित्रों जैसा काम नहीं करते ये। नहीं, दूसरी तरीके से बोलता हूं, हमारे मित्रों का काम नहीं करते, उनके मित्रों का काम करते हैं। कुछ ही दिनों में, एक महीने के अंदर मैं जम्मू कश्मीर में दो बार आया हूं और जल्दी मैं लद्दाख भी जाना चाहता हूं। मैंने श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आते हुए जब भी मैं आता हूं, मुझे लगता है कि घर आया हूं, और वही भावना मैं आज, वही बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि कल मैं वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया और मुझे ऐसे ही लगा कि मैं घर आया हूं। तो ये जो प्रदेश है, प्रदेश था, आज ये यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में बोलूंगा। इसका बहुत पुराना रिश्ता मेरे परिवार से है, प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का? कि जो आपका कंपोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी है।
कल माता जी के मंदिर में मैं गया, मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो? गए हो ना? आपने देखा है, अंदर जाकर आपने देखा, वहां पे तीन सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? आपने देखा? अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है, सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो, ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं, लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है, विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो सरस्वती है। तो ये तीन शक्तियां हैं। और जब ये तीन शक्तियां घर में होती है, देश में होती है, तो देश की तरक्की होती है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ उनका, चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? अब दूसरे तरीके से बोलता हूं, जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को 9% जीडीपी ग्रोथ रेट दिया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? तो ये हो क्या रहा है? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वैष्णो देवी में जाके मत्था टेकते हैं, वो उन्हीं शक्तियों का अपमान करते हैं। ये हो क्या रहा है? कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं और फिर उन्हीं शक्तियों को दबाने का काम करते हैं। आपके साथ क्या किया? सबसे पहले जो मैंने बोला, आपका जो कॉम्पोजिट कल्चर था,
उस पर आक्रमण किया। जो आप में भाईचारा था, प्यार था, उस पर आक्रमण किया, आपको कमजोर किया और फिर आपका स्टेटहुड लिया। सीधा सा सवाल, आपका स्टेटहुड गया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी, सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी, दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? तो फिर सीधी सी बात है, आप अपना धन समझते हो, आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। आप दुर्गा मां की बात करते हो, आप लक्ष्मी की बात करते हो, आप सरस्वती की बात करते हो, तो उनकी शक्ति को आप नष्ट क्यों कर रहे हो? अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। अब मैंने शक्ति की बात की तो बाकी बात भी कर देता हूं। आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? मेरे सिख भाई हैं, आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? कहां देखा है? कहां देखा आपने ये चिन्ह? हां, ये हाथ नानक जी के फोटो में दिखता है आपको? ठीक है, यहां पे शिवा की किसी ने फोटो देखी है? उसमें ये चिन्ह दिखता है आपको? दिखता है? महावीर का की फोटो देखी है आपने? उसमें ये चिन्ह दिखता है? यहां जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जब आप अल्लाह का नाम लेते हो, आपको अपना हाथ दिखता है? दिखता है? यू देखते हो उसको? बुद्धा का आपने पिक्चर फोटो देखी है? उसका आपको हाथ, उनका हाथ दिखता है आपको? तो सवाल यह है, इस हाथ का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? आपको आप धर्म की बात करते हो, आप सब धर्म की बात करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चिन्ह है, जो गुरु नानक की फोटो में दिखता है, जो शिवा की फोटो में दिखता है, जो हर धर्म में दिखता है, इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरो मत, इसका यह मतलब होता है। सत्य बोलने से डरो मत, सत्य बोलो, इसका यह मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, इसीलिए यह चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा, इस्लाम में दिखेगा, हिंदू धर्म में दिखेगा, सिख धर्म में दिखेगा, बौद्ध धर्म में दिखेगा, जैन धर्म में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। क्योंकि हर एक धर्म कहता है डरो मत, सच्चाई से डरो मत। और बीजेपी क्या करते हैं? बीजेपी सच्चाई से डरते हैं। बीजेपी डर है, बीजेपी डर है, कांग्रेस प्यार है। अब मैं आखिरी बात कहता हूं। तो मैंने कहा कि आपको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, सही बात बोली? ठीक है, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। मैं कहीं जाता हूं और कहता हूं, हमने मनरेगा करा, इसी भाषण में मैंने बोला हमने मनरेगा किया, सही है, मगर ये हम कौन है? गुलाम नबी जी ने कहा अस्पताल बनाए, कितने अस्पताल बनाए गुलाम नबी जी? कितने आपने कहा था, कितने अस्पताल बनाए आपने? टोटल 22, यहां 4। तो ये अस्पताल, ये मनरेगा, ये भोजन का अधिकार, जब मैं स्टेज से कहता हूं हमने किया, गुलाम नबी आजाद जी कहते हैं अस्पताल बनाए, ये किसने किया?
कांग्रेस, मगर कांग्रेस कौन? कांग्रेस कौन? क्या ये काम गुलाम नबी आजाद जी ने किया, राहुल गांधी ने किया? नहीं, ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, ये काम आप लोगों ने किया। और अगर हमने किया है तो आपकी शक्ति को लेकर हमने किया है, आपकी शक्ति के बिना यह काम हम नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है, एक ही काम करना है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो पहले पहले मैंने शक्ति की बात की, जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी शक्ति का आदर करना है। और जो वो जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में यह बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी में मेरी आवाज सुनाई देती है, मेरी आवाज को सुना जाता है, उस दिन कांग्रेस पार्टी 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 450 सीट लेके आ जाएगी वापस। ये मेरा आपको मैसेज था। और ये जो मैंने आपको भाषण दिया, ये वैष्णो देवी की यात्रा पे ये बात मुझे समझ आई। तो मैं आप सबका, जम्मू का, जम्मू के लोगों का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। रोज आप देते हो, इतनी इज्जत देते हो, और आपकी जो शक्ति है वो आप मुझे देते हो, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात आप सुनिए। और मैं जब कुछ बोलता हूं वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूं। आज सुबह मैं दिल की बात करता हूं आपसे, आज सुबह डेलीगेशन में हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और मैं उनसे बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कॉम्पनसेशन देने की बात की थी हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया, कहा था 25 लाख रुपए देने की बात की थी और हमें कुछ नहीं दिया। और जब वो डेलीगेशन मुझसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात उठी कि ये जो डेलीगेशन है इसी डेलीगेशन से इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं, मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं
कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।